सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्ता नारायण नारायण। आज तो तुम्हारा ये इंद्रलोक अवश्य प्रकाशहीन लग रहा है, नीरस लगता है। महर्षि, मेनका तो शीघ्र ही लौट आएगी, रंभा भी श्राप से मुक्त होकर आ जाएगी। हाँ, श्राप से मुक्त होकर रंभा तो शायद आ भी जाए, परंतु मेनका आने वाली नहीं है। आएगी क्यों नहीं? मैंने आ जाने की आज्ञा जो दी है। अवश्य दी थी, परंतु एक वर्ष पहले। आज एक वर्ष बीत जाने के उपरांत भी वो नहीं आई। आती कैसे? उसकी भी तो अपनी व्यवस्था है, उसे अपने शिशु का पालन पोषण जो करना है। शिशु? अरे तुम्हें नहीं पता देवेंद्र, नारायण उसकी तो एक पुत्री भी है। तुमने विश्वामित्र को मोहपाश में बांधने की आज्ञा दी, पर वो स्वयं ही बंध गई। नारायण अब तो भलाई इसी में है देवेंद्र, कि इंद्रलोक मेनका को भुलाई दे तो अच्छा है। महर्षि, ये असंभव है कि मैं उसे भूल जाऊं। मेनका को अवश्य ले आऊंगा, इस लोक में अवश्य ले आऊंगा। बलपूर्वक ही सही, उस बालिका को जटाधारी के सुपुर्द कर दूंगा। मेनका, तुमने गायन रोक क्यों दिया? संगीत का ये रस तो स्वर्गलोक के संगीत में ही नहीं है। ये ममता का रस है देवेंद्र, ये आपकी अप्सरा मेनका नहीं गा रही थी, ये माता मेनका गा रही थी। मेनका, तुमने राज ऋषि विश्वामित्र को गृहस्थ विश्वामित्र बना दिया, और ये करने के उपरांत तुम्हारा प्रेषण पूर्ण हुआ। तुम्हें अब जीवित रहने के लिए कंदमूल खाने की, इस आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, स्वर्गलोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उस मानव विश्वामित्र से कह दो कि वो स्वयं ही अपनी पुत्री को संभाले। स्वर्ग बनाएंगे, अंतरिक्ष का संतुलन बिगाड़ेंगे। उनका ये स्वर्ग उन्हें देकर अपने स्वर्ग लौट चलो। हे देवराज इंद्र, मैं अपनी इस विवश पुत्री को त्याग नहीं सकती, त्याग नहीं सकती। मेरे बिन स्वर्गलोक जीवित रह सकता है, परंतु अपनी माँ बिन इसका जीवित रहना संभव नहीं है। क्या तुम मेरी आज्ञा, मेरे आदेश का उल्लंघन करोगी मेनका? अब तक मैं केवल अप्सरा थी, आपका अस्त्र थी, परंतु माता बनने के उपरांत मैं अपनी पुत्री का कवच बन चुकी हूँ। त्रिलोक के नरेश के क्रोध को आमंत्रित न करो मेनका। ये न भूलो कि केवल वह ऋषि ही किसी अप्सरा को पत्थर बनाना नहीं जानता है, ये शक्ति मेरे पास भी है। तुम स्वर्ग लौट चलो या पत्थर बन जाओ। Thank you.
आजा, आजा मेरी पुत्री, आजा। कैसी है तू? जानती है मुझे, मैं तेरा पिता हूँ। हमारी पुत्री सौंदर्य की मंदाकिनी है मेनका। इसका निष्पाप मृदुल सरल सौंदर्य परमपिता ब्रह्मा का वरदान है। ये हमारी व्यक्तिगत गंगा है मेनका। ये मेरे पितृत्व के लिए एक सम्मान पत्र है। ये मेरे माथे पर मेरे सौभाग्य का हस्ताक्षर है। तुम इतनी दुखी हो कि तुम्हारे दुख ने ममता के गौरव को भी दबा लिया? हे स्वामी, पृथ्वी का पालन अंकुर के पालन पोषण के उपरांत समाप्त हो जाता है। अंकुर के आगे माली के कर्तव्यों की सीमा है। ये पुत्री अब आपकी संपत्ति है। फल देना वृक्ष का कर्तव्य है, परंतु फल पर वृक्ष का या स्वयं पृथ्वी का कोई अधिकार नहीं। परंतु फल फिर भी पृथ्वी का होता है, वृक्ष का होता है। फल कोई चमत्कार नहीं, उपज के नियम का परिणाम है, और उपज पृथ्वी के बिना संभव नहीं। कदाचित सत्य तो यही है, परंतु हे स्वामी, मैं एक कठपुतली हूँ और मेरी डोर देवेंद्र के हाथ में है। अब मेरा देवलोक जाना आवश्यक हो गया है। ये देवेंद्र का आदेश है। मैं आपकी तपस्या भंग करने आई थी। यही मेरा प्रेषण था। मेरा प्रेषण पूर्ण हुआ। अब मैं भूलोक में नहीं रह सकती। स्वर्गलोक में प्रेम का कोई अर्थ नहीं। मैं देवलोक के निहित स्वार्थ की रक्षक हूं। स्वामी, मुझे शाप दे दीजिए। रंभा की भांति मुझे भी निर्जीव पत्थर की एक शिला बना दीजिए। मुझे यही दंड मिलना चाहिए। हे स्वामी, मुझे आपने अपनी पत्नी और इस बालिका की माता बनने का सम्मान देकर धन्य कर दिया। जाओ, चली जाओ। याद रहे, यह हमारी प्रेम कथा का अंत नहीं, मध्य है। ये किसी और युग में समाप्त होने वाली कथा है। चलो, बिछड़ने के इस क्षण को लंबा करके हमारी पीड़ा और न बढ़ाओ। चलो। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारा प्रेषण तो पूर्ण हुआ, मेरी तपस्या तो भंग हो चुकी है, मेरा कमंडल रिक्त है। प्रेम मैंने तुम्हें दिया है, तपस्या तुमने मुझसे ले ली है। अब तुम्हें भेंट करने योग्य मेरे पास क्या है? स्वामी, मत कहो मुझे स्वामी, मत कहो। भूलोक में ये शब्द होठों से नहीं, हृदय से कहा जाता है, और हृदय तुम्हारे पास है नहीं। अब
अपनी इस पुत्री को मेरी अंतिम भेंट मानकर स्वीकार कर ली। नहीं, कदापि नहीं। ये तुम्हारी अनिष्ठा, ये तुम्हारे कपट का प्रतीक है मेनका। ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, छला है तुमने मुझे, और ये मैं याद रखना नहीं चाहता। परंतु मैं इसे स्वर्गलोक नहीं ले जा सकती ऋषिवर। क्यों नहीं ले जा सकती? क्यों नहीं? इंद्र का हट पूरा करो, इसके शरीर को यहीं रहने दो और इसकी आत्मा को ले जाओ। इतने कठोर न बनिए महर्षि। पालन करना माता का कर्तव्य है, मैं पिता हूं, पालन के साधन एकत्रित करना मेरा कर्तव्य है, परंतु पालन करना माता ही का कर्तव्य है। ये मेरे लिए संभव नहीं, इसलिए मुझे अब धरती की ये थाती धरती को सौंपनी पड़ेगी। पिता पाल नहीं सकता, किंतु आशीर्वाद तो दे सकता है। ये ना समझना अप्सरा कि मैं तेरा आखेट हूं, मैं अपने काम वेग का आखेट हूं। मुझे तेरे नैनों की माया ने घायल नहीं किया है, मुझे मेरी कामुकता ने घायल किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप नहीं दे सकता, नहीं तो तू भी वारंभा की भांति अभी शिला बनी खड़ी दिखाई देती। मुझे पुत्री व्यामोह में फंसाने का प्रयत्न न कर अप्सरा, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य याद आ गया है, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। इसने मेरे मार्ग से इस रुकावट को हटा दे अप्सरा। इस पर दया कीजिए महर्षि, ये असहाय है। लक्ष्मीकांत के होते कोई असहाय नहीं हो सकता, वे इसके पालन पोषण के लिए अवश्य ही किसी महापुरुष को उत्तरदायी बना देंगे। Oh!
इस वन में ये किसका बालक बिलख रहा है ऋषिवर? ये बिलखना नहीं है शिष्य, ये बुलाना है। वो मुझे पुकार रही है। हे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। ये बालिका यहाँ कहाँ से आ गई ऋषिवर? जहाँ से ये धूप आई है, ये पवन आया है, ये हरी भरी सुगंध आई है, जहाँ से ये प्रकृति आई है, उद्गम तो एक ही है शिष्य। किंतु ऋषिवर, कौन जाने ये कौन है, इसकी जाति क्या है, इसके जन्म में क्या खोट है कि माता पिता ने त्याग दिया? यदि तुम अब तक ये भी नहीं सीख पाए कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, तो फिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो? क्षमा गुरुवर, क्षमा। ऋग्वेद का पहला श्लोक यह नहीं है कि ब्राह्मण भवा, यह भी नहीं है कि क्षत्रिय भवा। ऋग्वेद का पहला श्लोक यह है शिष्य कि मनुर्भवा। यह ज्ञान का स्रोत है। हे कालेश्वर, तेरी ये थाती मेरे पास सुरक्षित रहेगी। पुत्री गौतमी, भविष्य की यथाती संभालो। गौतमी, आज से तुम ही इसकी माता हो। यह किसी और गोदी की भूमि का अंकुर है, इसे अपनी गोद की भूमि दो कि यह उगे और पनप सके। हां गौतमी, लो। मेरे अहो भाग्य कि ऋषिवर ने मुझे इस योग्य जाना। किंतु यदि ये ज्ञान मिल जाता कि ये किस घराने की धरोहर है, तो इसका पालन सहज हो जाता। हर आत्मा परमात्मा की धरोहर होती है गौतमी। इस आश्रम के लिए यह ईश्वर की दया का प्रतीक है, यह उसकी कृपा का स्वाक्षर है। गौतमी, मेरी गोदी और मेरे हृदय में तेरा स्वागत है पुत्री। भगवान करे तेरी वाणी से मधु टपके, बढ़कर तुम हमारा प्रियम वात बनो। इस आश्रम में बोला जाने वाला हर एक शब्द पुनीत है। तुम्हारा नाम भी एक पुनीत शब्द बने, और तुम जिस हृदय के पास से निकलो, आत्मा उस हृदय के द्वार खोलकर तुम्हारे दर्शन करे और तुम्हें आशीर्वाद दे। हे माता, सौंदर्य का ये फूल तो राजवाटिका में खिलने योग्य था। फूल जहाँ खिले वह फूल ही रहता है, वही रंग, वही सुगंध, वही मृदुलता। फूल का कोई वर्ग नहीं होता। इसका नाम क्या रखिएगा ऋषिवर? अभी तक तो शकुंत पक्षी ही इसकी देखभाल कर रहे थे। तब तो इसका नाम शकुंतला ही उचित रहेगा। अरे सुना तूने, तू शकुंतला है, मेरी प्रिय शकुंतला। हे
मेरी वाटिका की सुंदर लता, मेरे आश्रम की सुगंध, ये कमल नयनी, ये चंद्रमुखी, मेरी आंखों की ज्योति,